यूपी में किसानों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा महंगा। यूपी पुलिस ने ऐसे खदेड़ा। नोएडा प्राधिकरण पर आज 81 गांव के हजारों किसान प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तो पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। एक दिन पहले से ही पुलिस ने किसान नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी थी। 40 किसानों को गिरफ्तार भी किया जा चुका था, लेकिन आज जब हजारों किसान प्रदर्शन करने के लिए नोएडा प्राधिकरण पर पहुंचे, तो यूपी पुलिस भी अलर्ट मोड पर थी। किसानों के विरोध प्रदर्शन को हंगामे में बदलता देख यूपी पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। 300 किसानों को गिरफ्तार कर बस में ठूस कर जेल भेज दिया गया। क्योंकि नोएडा पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा या कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और ऐसा ही हुआ भी, क्योंकि जनपद में फिलहाल धारा 144 लागू है। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी, बावजूद इसके किसान फिर भी नोएडा प्राधिकरण पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन एक एक को पुलिस ने रास्ते से हटाया और गिरफ्तार कर जेल भेजा। किसान यूपी पुलिस पर हमलावर हैं, लेकिन जिस तरह से यूपी पुलिस ने अलर्ट मोड दिखाया, वो वाकई हैरान करने वाला था। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।